हाय फ्रेंड्स, क्या आपकी गर्दन में मोच आ गई है या नस पे नस चल गई है या गर्दन की और कंधे की मांसपेशी बहुत ज्यादा टाइट हो गई है, अकड़ गई है, जकड़ गई है, जिसकी वजह से जब भी आपको अपनी गर्दन का मूवमेंट करना होता है तो आप कंधा समेत इस तरह से ऐसे देखते हैं, आप अपने हाथ को ऊपर नहीं उठा पाते हैं, हाथों में झंझनाहट होती है, सुन्नपन होता है, तो इसमें लोग गलत तरीके से मालिश कर लेते हैं जिसकी वजह से उनका दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज हम आपको मसल्स रिलीज की ऐसी टेक्निक बताएंगे जिसको अगर आप सिर्फ 5 से 10 मिनट ही करेंगे तो आपको 90% तक आराम मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ईशान अली, फिजियोवेदिक क्लिनिक लखनऊ से। हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसा मौका जरूर आता है कि जब वो सुबह सो करके उठा तो उसकी गर्दन जो होती है वो बहुत ज्यादा अकड़ जाती है और वो इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारे गर्दन में एक मसल्स होती है जिसको स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड मसल्स कहते हैं। ये मसल्स का काम होता है कि ये दाहिने बाएं ऊपर और नीचे गर्दन का मूवमेंट कराती है। लेकिन बहुत देर तक गर्दन झुकाकर मोबाइल चलाने से या डेस्कटॉप पे जिनका काम होता है एक पोजीशन में बैठे रहते हैं या एसी की हवा से बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से या बहुत ज़्यादा लोग मोटी तकिया लगा के एक पोजीशन में सो जाते हैं तो जब वो सुबह सो करके उठते हैं तो उनकी गर्दन जो होती है वो बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है, तो इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपका ये जो दर्द है गर्दन का या गर्दन में जिसे कहते हैं लोग मोच आ गई, तो अगर आपके जो गर्दन में मोच आई है, गर्दन में अकड़न बहुत ज़्यादा जकड़न है, वो 24 से 72 घंटे ही हुए हैं, तो यहाँ पे आपको बर्फ की सिकाई करनी चाहिए। और बर्फ की सिकाई डायरेक्टली आपको गर्दन में नहीं रखनी है, आपको करना यह है कि 10 से 15 मिनट की सिकाई करनी है और दिन में 3 से 4 बार करनी है। अगर आपका यह दर्द बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, क्रॉनिक हो गया है, तो आप यहाँ पे गर्म सिकाई करिए, 10 से 15 मिनट ही करिए और बहुत ही हल्की हल्की आपको सिकाई करनी है। तो चलिए अब हम आपको मसल्स रिलीज की टेक्निक बताते हैं। फिर आपको करना यह इस तरीके से ऐसे सीधे लेट जाना है और एक टॉवल का रोल इस तरीके से बना के और गर्दन के नीचे इस तरीके से ऐसे रख लेना है। फिर मान लीजिए आपके इस साइड दर्द है, गर्दन की मोच जो है इस साइड है, फिर आपको दूसरे अपोजिट साइड गर्दन को इस तरीके से ऐसे घुमा लेना है। फिर आपको करना यह है इस तरीके से ऐसे दबाना है, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से आप दबाएंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और इस तरीके से ऐसे यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक और फिर यहाँ पे इस तरीके से ऐसे आपको दबाना है। इस तरीके से आप दबाएंगे तो आपकी मसल्स जो है, जो स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड मसल्स है, वो धीरे धीरे रिलीज होगी और आपको अच्छा भी आराम मिलेगा। और ये आपको सिर्फ 4 से 5 ही मिनट करना है। फिर आपके घर में कोई दर्द वाला तेल होगा या कोई जेल होगा, उसको आप इस तरीके से ऐसे ले लेना है और फिर अपने अंगूठे से इस तरीके से ऐसे आपको करना है, इस तरीके से गर्दन से लेके नीचे शोल्डर तक के इस तरीके से आपको रिलीज करना है। बहुत ही हल्के से आपको पुश करके और इस तरीके से आप करेंगे तो भी आपको अच्छा आराम मिलेगा और जो मसल्स जो है, जो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, अकड़ गई है, जकड़ गई है, उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। फिर आपको नकल्स के ऊपर इस तरीके से ऑयल लेके आपको करना यह है, आपको इस तरीके से ऐसे करना है, इस तरीके से ऐसे करेंगे तो आपकी जो मसल्स स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड मसल्स है वो भी आपकी रिलीज धीरे धीरे होने लगेगी। और ये जो प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं ये सिर्फ आपको 4 से 5 ही मिनट करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। आपको मसल्स रिलीज करने के बाद आपको करना यह है कि आपको इस तरीके से लेटे रहना है, फिर अपनी गर्दन को दाहिने तरफ घुमाना है जहाँ तक आप ले जा सकें, जैसे आपकी यहाँ तक जा रही है तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती आपको नहीं करनी है, और फिर आपको इस तरफ बाईं तरफ आपको करना है। इस तरह करने से भी आपकी नेक में जो है वो स्ट्रेच होगा, इससे भी आपकी मांसपेशियाँ जो हैं वो रिलीज होंगी। फिर अपने दोनों हाथों को इस तरीके से ऐसे सर के नीचे रख लेना है, नीचे की तरफ आपको सर से पुश करना है नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे आपकी जो गर्दन की मांसपेशियां हैं इनमें कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। इस तरीके से दबाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर नीचे, फिर दबाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर नीचे। ये एक्सरसाइज आप हर 2 से 3 घंटे में 10-10 बार करिए, इससे आपकी मसल्स जो है वो धीरे धीरे स्ट्रांग भी होने लगेगी। ऐसा करने से जो हमने आपको स्ट्रेचिंग बताई है और ये जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताई है, इससे आपके गर्दन में काफ़ी आराम मिल जाएगा। फिर दूसरे दिन से आपको करना यह है, एक टॉवल ले लेनी है इस तरह से और अपनी गर्दन के नीचे इस तरीके से ऐसे रख लेनी है। फिर आपको जो है हाथों से टॉवल को खींचना है इस तरीके से, आप खींचेंगे
तो आपकी गर्दन में एक कॉन्ट्रेक्शन आएगा। इससे जिन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की दिक्कत है उससे भी उनको काफी आराम मिलेगा, जिसकी वजह से उनको चक्कर आता है या मतली जैसा फील होता है या हाथों में झंझनाहट हो रही है, शून्यपन हो रहा है, इससे भी करने से आपको काफी आराम मिलेगा। तो आपको ऐसे करके और फिर इस तरीके से खींच के 5 सेकंड तक रोकना है और फिर रिलीज कर देना है, फिर आपको खींचना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर आपको रिलीज कर देना है। ये एक्सरसाइज सिर्फ 5 से 10 ही बार करिएगा और दूसरे दिन ही शुरू करिएगा, क्योंकि जब मसल टाइट रहेगी तो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब आपकी मसल जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी तो आप जब हाथ लगाएंगे तो आपको सॉफ्टनेस लगेगी और आपकी गर्दन में हल्कापन भी महसूस होगा। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको 1-to-1 गाइड करें तो इसके लिए आपको कुछ मामूली सी फीस देनी होगी। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हमारी टीम आपको पूरा बता देगी क्या फीस है और क्या टाइम का शेड्यूल रहेगा। फिर आपको करना यह है, इस तरीके से सीधे लेटे ही रहना है और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से ऐसे फंसा के और नीचे की तरफ आपको लाना है, जितना आप नीचे ला सकें। जैसे आपकी यहीं तक आ रही है तो यहीं पर ही आपको करना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर नीचे फिर आपको करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी हाथ की और पूरी जो है अपर बैक की मसल जो है वो स्ट्रेच हो रही है, इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ये एक्सरसाइज आप 15 से 20 बार करिए और दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। फिर आपको करना यह है, इस तरीके से बैठ जाना है, अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके इस तरीके से ऐसे पीछे रख लेना है, फिर धीरे 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 आपको इस तरीके से ऐसे मिलाने की कोशिश करना है और यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर पीछे आपको इस तरीके से जितना पीछे आप ले जा सके उतना पीछे आपको ले जाके 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर आगे करना है और फिर पीछे करना है। ऐसा करने से आपकी गर्दन की और आपके हाथों की और अपर बैक की सारी मसल जो है वो स्ट्रेच होगी। जब ये स्ट्रेच होगी तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ये भी एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार करिए और दिन में 2 बार आप जरूर करिए। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने शोल्डर को उठाना है, जहाँ तक आप उठा सके वहाँ तक उठाना है और यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर नीचे। आपको इस तरीके से नहीं करनी है ऊपर नीचे, बल्कि पूरा ऊपर तक खींच के लेके जाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर नीचे। ये 5 एक्सरसाइज अगर आप करते हैं जब भी आपके गर्दन में मोच आ जाए, जिस तरीके से हमने सीरियल से बताया है इस तरीके से आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी गर्दन में जो अकड़न है या आपकी गर्दन में कहीं नस चढ़ गई है, इसको करने से आपको 24 घंटे के अंदर ही आपको आराम जरूर मिलेगा। और जब भी आपकी गर्दन अकड़ जाए, जकड़ जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा मोटी तकिया नहीं लगानी है, क्योंकि आप मोटी तकिया लगाएंगे तो इससे आपकी गर्दन का जो कर्वेचर होता है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, इससे आपकी गर्दन में और ज़्यादा दर्द बढ़ेगा। और आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है और हो सके तो आप 1 से 2 दिन रेस्ट कर लीजिए, इससे आपकी रिकवरी जो है वो फास्ट हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको कुछ पसंद आया हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत होती है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की दिक्कत होती है, तो उनको उल्टी आती है, चक्कर आता है और उनके हाथों में दर्द आता है, तो डॉक्टर्स या फिजियोथेरेपिस्ट उनको कॉलर लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन उनको कॉलर लगाना नहीं आता या वो गलत तरीके से लगाते हैं या बहुत दिन तक लगाते रह जाते हैं। तो आपको कॉलर किस तरीके से लगाना है तो ये वाली वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।